नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई। दाल फ्राई में लगने वाली सामग्री है 3 मुट्ठी अरहर की दाल ले लेनी है, 1 मुट्ठी चने की दाल ले लेनी है। इसको 3-4 घंटे पानी में भिगोना है। मैंने पहले से ही भिगो के रखा है। 2 बारीक कटे प्याज, 1 टुकड़ा लहसुन का बारीक कटा हुआ, 3-4 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 3 साबुत लाल मिर्च बारीक कटा धनिया पत्ता, 3 टमाटर कटे हुए बारीक कटे हुए, 1 चुटकी भर हींग, 1 चम्मच गरम मसाला और 4-5 चम्मच देसी घी के ले रहे हैं, 1 चम्मच लाल कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी का, नमक स्वाद अनुसार। सबसे गैस ऑन कर दी है, अब कुकर रख दिया है, उसमें हमने दाल डाली है। हमने पानी डाल देना है। हींग डाल देना है, हल्दी डाल देनी है, नमक डाल देना है, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। 2 सीटी आने तक रखनी है। तीन सीटी आ चुकी है, गैस को बंद कर देंगे। तब तक हम कढ़ाई रख लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं। कढ़ाई रखनी है, उसमें हमें डाल देना है, देसी घी डाल रहे हैं, देसी घी का टेस्ट बनता है। गर्म होने देंगे। गरम हो चुका है, अब इसमें हमने लाल चीनी मिर्च डाल देनी है। धनिया डाल देंगे, अच्छे से भूनना है धनिये को। धनिया भून चुका है, अदरक प्याज की बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। अच्छे से भूनेंगे है, अच्छे प्याज बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज भून चुका है, अब इसमें हमने टमाटर डाल देना है। टमाटर को पकाना है, वो ठंडक छोड़ दे। टमाटर भून चुके हैं, अब इसमें हमने लाल मिर्च डाल देना है, गरम मसाला भी डाल देंगे। आज के कम करने सबसे पहले हम थोड़ा दाल का पानी डालेंगे मसाले में।
मसाले को थोड़े डाल के पानी में पकाएंगे। दाल फ्राई हमारी, उसमें हम दाल डाल देंगे। उसे जीरा पाउडर डाल देंगे। पत्ता भी डाल देना है। पांच मिनट तक उबालेंगे हम इसको। पांच मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी, दाल फ्राई हमारी बनके तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। दाल फ्राई हमारी बनके तैयार है। इससे आप जीरा चावल, चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।